मिश्रा ब्लॉग को क्यों डायरेक्टर क्या हाल चाल वीडियो सुपर हिट जाएगी जो इससे पहले वाली जो जुबा बेसरी बाल बहुत टूट रहा है पिछले पैदल चल रहा है ठीक है एक्सरसाइज खाना पीना किसको बता रहा भाई इसकी हेयरलाइन देखो एक बार किसको कहा ये हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग जय श्री राम। तो कैसे आप लोग आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे भाई साहब तबीयत अभी ठीक हो चुकी काम तो कोई हो ही नहीं रहा लेकिन लखनऊ आते विवेक आ रहा है तो विवेक आए उसके बाद कुछ करते हैं नहीं कुछ होगा तो मस्ती मजाक तो कर ही सकते हैं वो देखो आ भी रहा बेचारा ओए आ जा भाई आ जा देखो बेचारा कितना स्ट्रगल करता है कैसी जगहों पर रहता है हमें लग रहा था हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं ये देखो सब झोपड़पट्टी से निकल के आ रहा है आ जाओ भाई निकल के जल्दी झोपड़पट्टी से भाई दो मिनट का सीन है बस दो मिनट का क्या हाल चाल भाई मेरे मिनट का सीन था भाई भाई ऐसे ही लोग झोपड़पट्टी से निकल के आगे तरक्की करते हैं भाई क्या है मजबूरी है हमारी गली का एमसी स्टैंड हाथ काटना पड़ेगा हाथ बहुत चलता है इसका पहले भाई विवेक चलो पहले हम जा रहे हैं इसकी दुकान पे थोड़ा काम है वहाँ प्लेट व्लेट धुलना है इसको इसकी नौकरी लगवाई है मैंने अभी प्लेट धुलने पे की थी दो नौकर भाग गए ना इसके बाप ने इसका प्रमोशन कर दिया है कि तब तक तुम प्लेटें ही धुलोगे भाई इतना कंजूस आदमी नहीं देखा इसीलिए कहते हैं कि बनिया कंजूस ही होते हैं भाई देखो मैं कंजूस नहीं हूँ मैं गरीब हूँ गरीब नहीं ये कंजूस आदमी है अपने घर से दुकान तक पैदल लेके जा रहा पूरे 5 किलोमीटर के लिए भाई इतना हरामी आदमी नहीं देखा हमने लेकिन क्या ही बताऊं साला आजकल बाल बहुत टूट रहे पिछले पैदल चल रहा है ठीक है एक्सरसाइज खाना पीना किसको बता रहा भाई इसकी हेयरलाइन देखो एक बार किसको ये खाने पीने कौन बता रहा है इससे तो कम ही बाल टूट रहे हैं अरे भाई देखो मेरे बाल नहीं टूट रहे मैं तुम देख रहा हूँ जो हेयरलाइन तो ये ऐसा नहीं है मेरे जो बाल है ना बाल के मतलब जो मांग कहते हैं उसको अरे भाई से ही ऊंचा है जो लोग मांग भरवानी है ना इसको भरवानी नहीं देखो पुरानी कथा है जो लोग दादा मामा दादू कहते हैं सर तुम्हारे की हाँ जिस हाँ नहीं लोग कहते हैं गाँव में हमारे अभी भी कहते हैं नर्क में चलो की सीरियस बात कर रहा हूँ तो कहते हैं कि जिसका जो मांग जो होता है ना जो ऊंचा रहता है वो आगे चल के बहुत पैसा वाला बनता है अब मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ मैं पैसा वाला कब बनूंगा पैसा वाला तो बन नहीं रहा लेकिन मांग इसकी ऊंची होती ही जा रही है अभी देखो जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ उस दिन अमित भैया से मिले थे हम कौन अमित अमित बढ़ाना भैया अच्छा तो देखो अमित भैया से जो मिले थे तो हम देखे थे उनकी हेयरलाइन हमने नोटिस की थी उनकी भी जो हेयरलाइन है वो ऊंची है तभी तो पैसे वाले हैं क्योंकि लोग सच कहते हैं कि जिसके जो मांग अच्छा, ये मतलब अपने आप को अमित बढ़ाना समझ रहा नहीं मैं नहीं समझ रहा हूँ मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं नहीं समझ रहा हूँ मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ उनको भाई इन पे कुछ ध्यान दो नहीं तो इतना गायब हो जाएगा तुम फिर वो राकेश रोशन ना बन जाओगे बोतल वोतल भाई थोड़ा सही तरीके से लगा यार भाई मैनेजर आपको रखा इनको समझाओ ना हो तो कंटा मारो भगाओ दूसरे के रखो तनख्वाह देते ही कहा जो काट लूंगा इनकी तनख्वाह ओए चेहरा दिखाओ मासूम मत बन भाई काम धंधा करने आराम करो फिर प्लेट मालिक कर रहा हूँ कमर अमर दिखाओ पिछवाड़ में डाल लेना भाई कहा चली पी तो नहीं है ये बोतल इतनी खाली क्यों है ऊपर की बिक चुका है तभी खाली है बिक नहीं है गिलास में भरवा के वो लेके आना 40 हम चोर हो गए भाई अब लेबर कितना पिस ले जाना अब हमें लग रहा है न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी आसू क्यों इन सबको हटा के डालो चार द्वितीय छह दो चौकार दो निकाल कल उसके पेपर में निकलवा दे क्या इसको बगान ले जाओ आप 10 पीस ले जाओ भैया ये जो आधी पेल पेल के अंदर से ला रहे हो ये झाड़ ये वापस नहीं होगी जो आधी पेल के है अंदर से ये खाली आई ये देखो भाई भाई देख रहे एक रील बनाने के लिए कितना क्या करना पड़ता है इस कपड़े के बारे में बता बता भिखारी लग रहे हो ये कपड़ा जो है देवों के मारते अबे मैं सच बताऊं भाई इसमें जितनी बदबू आ रही शायद सुलभ शौचालय में नहीं आती है लेकिन एक रील बनाने अबे भिखारी लग रहा हूँ एक रील बनाने के लिए कितना कष्ट ये रील देखो और इसको मन करे तो फॉलो कर ले अबे 20 रुपए देने पड़ेंगे ऑनलाइन स्वैप करना नहीं है अबे असली भी इसमें बटन नहीं है क्या है
अबे तब भी लेकिन मॉडल लग रहा हूँ मैं, शनि देओल तो नहीं लग रहा हूँ। ये मुर्गे अबे कपड़े की बदबू, अगर कहीं कहीं इसमें बदबू जा रही होती तो सूंघ के आदमी मर चुका होता अभी तक। भाई सच बताओ इतना महक रहा है ये रील बनाते बनाते हो सकता तुम्हारा जो ब्लॉगर है सही धुल लेते भाई, धुल के सुखा लेता ना इसको वीडियो बनाने से पहले। अबे इसी का मतलब टेबल साफ किया जाता है। अबे पता है ओ अब सोचो तुम कितना पुराना अधिकारी हूँ मैं, 20। ये देखो नई नई कॉस्ट्यूम निकाल के आने लगी है भाई, कॉस्ट्यूम ले जाए यहाँ से हटा लो क्या यहाँ। हाँ भाई विवेक आओ, अब पहले एक रील बना लेते फिर बात करते हैं। ये देखिए डायरेक्टर साहब डायरेक्शन दे रहे हैं अरुणेश मिश्रा ब्लॉग को। क्यों डायरेक्टर क्या हाल चाल? वीडियो सुपर हिट जाएगी, सुपर हिट जाएगी जो इससे पहले वाली जो जुबा बेसरी जुबा बिगाड़ी। कैसा लग रहा हूँ भाई शादी के लिए अगर ये लुक भेजूं मैं तो क्या कहते हो आप, कितनी बेइज्जती करवा सकता हूँ मैं? नहीं तारीफें मिलेगी खचेगी। जय बाप्पा की। यहाँ पेमेंट करे विकास कहने का बकायदा, यहाँ पेमेंट करो भिखारी को अमीर बनाए। मदद करे भिखारी की। चलो एक मिनट 7 बजे के बाद भिखारी हम कर रहे हैं बाबूजी, जुग जुग दियो शादी हो जाए और मुझे फिर से बुलाना सुहाग रात में। देखो कितना बड़ा भिखारी हूँ भाई, 20 रुपए मिले आज से यही काम शुरू कर। साले भिखारी से बड़ा भिखारी आ गया, भिखारी तो भीख मांग रहा है। जा कुछ खा लेना, ठीक है कुछ खा लेना, जाके आराम करो, खुश रहो। भिखारी दयालु, दयालु इससे फिल्म बनना चाहिए। भिखाली भिखाली अबे भिखारी बनते हैं भाई, भिखाली बोलने लगा हूँ भाई। लावेद सही फील आने लगा है। लो लो आ जा, रील्स बहुत अच्छी बनाई हम लोगों ने, जिसमें जो थॉट थे इन महाशय के थे भाई, डायरेक्शन इन्होंने किया है और मतलब डायरेक्शन का तो नहीं कह सकते सबने मिलके किया, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी वो भाई साहब की थी, इतना क्रेडिट तो इनको बनता है भाई। अच्छा तो टैग इनको भी मेंशन करना बकायदा, मेंशन भी किया जाएगा क्योंकि भाई मेहनत की है इन्होंने, अपने रेस्टोरेंट में बिरयानी छोड़ के हमारा वीडियो बनाया है। तो अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही भाई, तो शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। तबीयत खराब होने लाजमी है क्योंकि जीपे जो लिए हो। आज जीपे गया भाई, ताकत तो उसमें जाएगी भाई, इतनी मेहनत कर दी है ना हमने इसके ऊपर, कितनी मेहनत की गई है। हाथ में चाकू है इसलिए ज्यादा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उसका। चलो फटाफट घर के लिए निकलते हैं, फोन आ रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड का, बहुत दिनों बाद।